नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे यूपी कैडेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पेस्ट ऑफ सॉर्गम सिम्टम और उसका मैनेजमेंट। यूपी कैडेट ICAR BHU FCI NABARD बहुत सारे हमें जो है इस क्रॉप से पेस्ट का साइंटिफिक नेम, उसका फैमिली, उसका ऑर्डर और उसका स्पेसिफिक सिम्टम जो है एंड डीएम मैनेजमेंट पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग इसी में पहला पेज पढ़ेंगे। जैसे क्रॉप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कि सॉर्गम जो होता है वो कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो इट इज अ मेजर क्रॉप ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पेस्ट होते हैं वो पेस्ट प्रोडक्शन में हिंड्रेंस काउज करते हैं, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे कि फार्मर का हमारा जो है इनकम कम होता है या फिर उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनकम कम होगा, या तो फिर कंट्रोल करने में जो हमारा कॉस्ट लगता है तो इसके कारण क्या होता है कि बीसी रेशियो, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें पेस्ट लगने वाले जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट है, तो उसको डिफरेंट सिम्टम के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं बोरर पेस्ट, जब स्टेम में बोर कर रहा हो, ठीक है, ग्रेन पे खा रहा हो तो ईयर हेड फेज, ईयर हेड पेस्ट, देन फीडर सैप, अगर लीफ का जो सैप है वो शक कर रहा है, लीफ का लिक्विड मटेरियल जो है शक कर रहा है तो उसको हम लोग फीडर सैप बोलते हैं। ठीक है, लीफ को फीड कर रहा है तो फीडर बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पत्ते में जो है वो पोर क्रिएट हो गया है, ठीक, छोटा छोटा सा छिद्र क्रिएट हो गया है तो उसको हम लोग फीडर बोलते हैं। डिफोलिएटर मीन्स प्लांट के लीफ को डिफोलेट कर देगा, मीन्स प्लांट के लीफ को गिरा देगा, ठीक है, तो इसको डिफोलेटर बोलते हैं। और कुछ होते हैं नॉन इंसेक्ट पेस्ट है, जो इंसेक्ट तो नहीं होते हैं लेकिन वो पेस्ट होते हैं, जैसे हमारा राइट है, राइट क्या है, नॉन इंसेक्ट है बट इट कॉज डैमेज टू द मैनकाइंड, सो इट इज अ पेस्ट है। एनीथिंग दैट कैन कॉज द लॉस टू द फार्मर और मैन इट इज नॉन द पेस्ट। चलिए, तो बोरर पेस्ट ऑफ सॉर्गम हम लोग पहला पढ़ेंगे। बोरर पेस्ट ऑफ सॉर्गम में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहला आता है सॉर्गम सूट फ्लाई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लूँ, इसमें पेन जरा सेलेक्ट कर लूँ। तो सॉर्गम सूट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, एथेरिगोनस ओगाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एथेरिगोनस ओगाटा हमको ध्यान रखना है। फैमिली किससे बिलोंग करता है, म्यूसीडिया फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ऑर्डर कितने हैं, डिप्टेरा है। जितने भी फ्लाई हैं वो सारे ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारा मस्टर्ड सप्लाई वो किससे बिलोंग करता है, हेमेनोप्टेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए 12% लॉस होता है, ये सब ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है कि प्यूपेशन यहाँ पे कहाँ होता है। ये एथेरिगोनस ओगाटा पेस्ट का प्यूपेशन कहाँ पे होता है, तो प्यूपेशन एट द बेस ऑफ द स्टेम, प्यूपेशन एट द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, उसके बाद हमको ध्यान रखना है एग्स एग कहाँ पे देता है, मीन्स ओविपोजिशन कहाँ पे होता है। तो एग्स आर लेड ऑन 2 to 5 यंगेस्ट लीफ ऑफ सॉर्गम सीडलिंग्स, मीन्स यंगेस्ट लीफ ऑफ सॉर्गम का प्लांट पे होता है हमारा कहाँ क्या ओविपोजिशन। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन सिम्टम, अगर हमने फील्ड में आइडेंटिफाई करना है तो क्या देखना है कि देखिए ये 6 डॉट है, ब्लैकिश डॉट, 6 ब्लैकिश डॉट जो है एब्डोमेन पे, 3-3 के पेयर में ऑन द मार्जिनल साइड, ऑन द मार्जिनल साइड ऑफ द एब्डोमेन ये मिलते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन का ये है कि हम लोग फार्मर के फील्ड में जाएंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज ए सॉर्गम सीड फ्लाई, एथेरिगोनस ओगाटा। तो ये क्या है कि हमारा 6 सीड 6 जो स्पॉट है वो प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट वन, इसका नेचर ऑफ डैमेज एंड सिम्टम। तो नेचर ऑफ डैमेज में देखिए एक और ध्यान रखना है, डेड हर्ट, डेड हर्ट सिम्टम कौन प्रोड्यूस करता है, तो सॉर्गम सीड फ्लाई अपने को एग्जामिनेशन में यही देता है। डेड हर्ट सिम्टम जो होता है जब जब इन विच केस ऑफ ए पेस्ट इन द सॉर्गम, तो सॉर्गम सूट फ्लाई में। ओके, देन सेकंड वन इज द ज्वार स्टीम बोरर। ज्वार स्टीम बोरर का नाम क्या होता है, चिलोपार्टेलस या चाइलोपार्टेलस। फैमिली किससे बिलोंग करता है, पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग का जो फोर विंग है और ये हैंड विंग है, दोनों में क्लियरली मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें दे रखा है फोर विंग जो होता है वो लाइट ब्राउनिश और येलोइश होता है, ब्राउनिश कलर का है ये,
ब्राउनिश कलर का, तो ये लाइट ब्राउनिश और येलोइश विथ ए रो ऑफ ब्लैक डॉट ऑन द एपिकल मार्जिन, विथ रो ऑफ ब्लैक डॉट, ये ध्यान रखना है ब्लैक डॉट का हमारा रो है, यहाँ से देखिए इस साइड भी है और इस साइड भी है, ठीक है, तो ये रो ऑफ ब्लैक डॉट है, ये रो ऑफ ब्लैक डॉट है, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि फोर विंग पे जो है वो मार्जिन पे ब्लैक का ब्लैक डॉट प्रेजेंट रहेगा, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज ए जार स्टेम बोरर। देन हाइंड विंग जो होता है वो स्लाइटली व्हाइटिश होता है, देखिए व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इन कलर फीमेल एंड स्ट्रॉ कलर्ड इन मेल, मतलब फीमेल में कैसा होगा व्हाइटिश होगा और मेल में कैसा होगा स्ट्रॉ कलर होगा, मीन्स हल्की ब्राउनिश होगी, ओके, दी आर द लाइफ साइकिल। लेकिन अपने को लाइफ साइकिल में ये ध्यान रखना है कि ओवी पोजिशन कहाँ पे होता है, तो एक साइड लेड इन द क्लस्टर ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द लीव है नियर द मिड रिब, नियर द मिड रिब मतलब जैसे हमारा लीव का मिड रिब जहाँ प्रेजेंट होता है उसके नजदीक, उसके नजदीक, जैसे भी हम लोग देख सकते हैं अगर ज्वार का ये है मिड रिब, मिड रिब देखिए ये है मिड रिब, ये मिड रिब है तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है, तो नियर द मिड रिब जो है हमारा क्या होगा वही पोजीशन होगा, ओके। देन प्यूपेशन, प्यूपेशन इट प्यूपेट इनसाइड द स्टेम, स्टेम इट प्यूपेट इनसाइड द स्टेम, प्यूपेशन कहाँ पे होता है स्टेम में होता है, ठीक है। देन नेचर ऑफ डैमेज, इसमें भी जो हमारा ध्यान रखना है क्या डेड हार्ट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेड हार्ट, ज्वार स्टेम बोरर, ज्वार स्टेम बोरर एंड सूट फ्लाई में क्या होता है डेड हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके। देन नेक्स्ट वन लाइक दिस सेंट्रल सीट जो होता है सेंट्रल लीव जो होता है वो डेथ कर जाता है, ठीक है। शॉर्ट होल अपीयरेंस हमने बता रहा था, शॉर्ट होल अपीयरेंस मीन्स क्या होता है कि छोटा छोटा छिद्र हो जाता है लीव में, मीन्स छोटा छोटा सा पोर क्रिएट हो जाता है, तो ये देखिए बहुत छोटा छोटा सा पोर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, देखिए आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेम टनलिंग, जैसे ज्वार स्टेम बोरर है तो स्टेम के अंदर में वो घुसेगा, अंदर में इंटर करेगा वो स्टेम के में, तो ये देखिए ये कैसा पोर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अब वो अंदर में फिट करके स्क्रैप कर करके क्या कर देगा ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट कर देगा, ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेवी इन्फेस्टेशन में क्या हो गया है ब्लैक कलर का हो गया है, यहाँ पे हमारा ब्राउन कलर का स्टेम हो गया है, तो स्टेम में टनल कर देता है, मीन्स स्टेम में के अंदर घुस जाता है और वो मूवमेंट कर करके खाता है, ओके। देन नेक्स्ट ईयर हेड फीडर, हमने पढ़ लिया दो बोरर कॉम्प्लेक्स में, हमने क्या पढ़ लिया दो पेस्ट पढ़ लिया, कौन कौन सा ज्वार सूट फ्लाई एंड ज्वार स्टेम बोरर, ज्वार सूट फ्लाई एथेरिगोनस ओकाटा एंड ज्वार स्टेम बोरर किलोपार्टेलस, ठीक है। देन ईयर हेड कॉम्प्लेक्स में ईयर हेड बग में, ईयर हेड बग में पहला क्या होगा ज्वार ईयर हेड बग कैलोकोरिस एंगस्टस, कैलोकोरिस एंगस्टस याद रखेंगे नाम, ज्वार ईयर हेड बग में कैलोकोरिस एंगस्टस है, किस फैमिली से बिलोंग करता है तो मिरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्डर जो होते हैं वो हेमिप्टेरस हैं। दोस्तों जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, जितने भी सकिंग पेस्ट हैं वो सारे हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं, लाइक एफिड जैसिड्स बग्स एक्सेट्रा एक्सेप्ट थ्रिप्स हैं, थ्रिप्स जो है हमारा सकिंग टाइप मीन्स रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप होता है हमारे प्रोडक्ट में, तो वो किससे बिलोंग करता है थाइसेनोप्टेरा से, ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे कैलोकोरिस एंगस्टस, ओके। इसके बाद साइड ऑफ ओवी पोजिशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सभी का ओवी पोजिशन ध्यान रखेंगे, एग्स आर लेड इन स्पाइकलेट ऑन ईयर हेड और अंडर ग्लूम्स और मिडिल ऑफ द फ्लोरेट्स, फ्लोरेट्स के फ्लावर के बीच में, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉन्टेरेनिया सॉर्किकोला, कॉन्टेरेनिया सॉर्किकोला होता है, ठीक, इसमें फैमिली कौन से बिलोंग करता है सेसिडोमाइडियम फैमिली से बिलोंग करता है, डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, ऑर्डर डिप्टेरा, एक सैरलेड इन साइड द ग्लूम्स ऑफ क्लोज एंड ओपन फ्लावर, एक सैरलेड इन साइड द ग्लूम्स ऑफ क्लोज एंड ओपन फ्लावर, ठीक है। इसके बाद प्यूपेशन में भी देख लेंगे, प्यूपेशन प्यूपेशन इन साइड द डैमेज फ्लावर और प्यूपल केसेस आर यूजुअली प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ग्लूम्स है, तो प्यूपेशन कहाँ पे होता है डैमेज फ्लावर में, ये ध्यान रखना है कहाँ पे होता है प्यूपेशन डैमेज फ्लावर में होता है। देन नेचर ऑफ डैमेज एंड सिम्टम हमारा क्या होता है ये ध्यान रखना है, चाफी ईयर हेड क्या ध्यान रखना है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग इतना याद नहीं कर सकते हैं, समय बहुत कम है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो चाफी ईयर हेड एंड पार्सियल फिलिंग ऑफ द ग्रेन, पार्सियल फिलिंग ऑफ द ग्रेन किस केस में, किस केस में ध्यान रखना है हम लोग को, तो कॉन्टेरेनिया सॉर्गी
कोला, ज्वार सूट फ्लाई, ज्वार सूट फ्लाई कॉन्टिनिया स्वर्गी कोला। ठीक है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है हम लोग देखेंगे, सेसिडोमाइडे डिप्टेरा, सेसिडोमाइडे डिप्टेरा। ठीक है, देन कौन से क्रॉप में जो होता है ज्वार, कौन से क्रॉप जो है ज्वार का वो हेवली इन्फेस्टेशन होगा, तो जो ज्वार जुलाई में हो स्विंग होगा, जिस ज्वार का वैरायटी जुलाई में स्विंग होगा उसमें क्या होगा, हेवली इन्फेस्टेड होगा प्लांट। ठीक है, देन नेक्स्ट वन ईयर हेड कैटरपिलर, ईयर हेड कैटरपिलर का हम लोग नाम क्या देते हैं, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा नॉक्टुविडी फैमिली लेपिडोप्टेरा। दोस्तों एक्चुअली हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जो है वो बहुत सारे क्रॉप का पेस्ट है, मीन्स इट इज ए पॉलीफेगस पेस्ट है, इट इज द मोस्ट सीवियर इन केस ऑफ ग्राम, इन मोस्ट सीवियर इन केस ऑफ ग्राम। अब देखिए इसमें जी जो हमारा क्या है कि आइडेंटिफिकेशन सिम्टम बहुत आसान है, क्या होता है कि टू प्रोमिनेंट ब्लैक स्पॉट होता है किस पे, फोर विंग पे, टू प्रोमिनेंट ब्लैक स्पॉट किस पे होता है, फोर विंग पे। लाइक देखिए आप, टू प्रोमिनेंट फोर विंग्स ऑन द ब्लैक, ऑन द टू प्रोमिनेंट ब्लैक स्पॉट ऑन द फोर विंग्स है, फोर विंग पे दो जो है ब्लैक कलर का मेजर स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। देन सिम्टम ऑफ डैमेज हम लोग क्या देखना, ध्यान रखना है, चाफी ईयर हेड, चाफी ईयर हेड, चाफी ईयर हेड। देन नेक्स्ट वन कैस्टर सूट एंड कैप्सूल बोरर, कैस्टर सूट एंड कैप्सूल बोरर। दोस्तों ऐसा ही नहीं है, देखिए पूछेगा कैस्टर सूट जो होता है, कैस्टर सूट ये हमें क्या देगा कि पेस्ट है, कैस्टर सूट हैविंग साइंटिफिक नेम कोनोगेथिस पंक्चीफेरिस है, कोनोगेथिस पंक्चीफेरिस इज ए पेस्ट ऑफ है, पिच क्रॉप है। ऑप्शन में क्या देगा, कैस्टर, ज्वार, बाजरा, शुगर केन एटसेट्रा। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि कैस्टर सूट, कैस्टर्स नाम से क्या होगा कि हम लोग तुरंत कैस्टर मार्क कर देंगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि कैस्टर सूट एंड कैप्सूल बोरर इज द पेस्ट ऑफ ज्वार। और आप लोग जो है नेचर में ये जो फ्लाई है वो बहुत देखे होंगे, आप लोग पकड़ने की कोशिश भी किए होंगे। ठीक, देन चैफर बीटल, चैफर बीटल का नाम क्या है, ऑक्सीसेटोनिया स्पेसी, ऑक्सीसेटोनिया स्पेसी जो फैमिली बिलोंग करता है एस्क्रेबिड फैमिली से एंड कॉलियोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा। देन सेपिडर, सेपिडर हमने क्या बात कर रहा था कि लीफ के सब को, लीफ में जो भी जूस प्रेजेंट है हमारा वो क्या करेगा, सक करेगा, पेस्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपिडर। ठीक है, इसमें कौन सा है, ज्वार सूटबग, ज्वार सूटबग का नाम क्या है, पेरेग्राइनस मेडिस, पेरेग्राइनस मेडिस डेल्फेसिडे हेमिप्टेरा। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो डेल्फेसिडे हेमिप्टेरा, डेल्फेसिडे हेमिप्टेरा, पेरेग्राइनस मेडिस डेल्फेसिडे हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ जो है बहुत सारा है लेकिन हम लोग इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। देन इसका में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ओविपोजिशन कहाँ पे होता है, ओविपोजिशन कहाँ पे होता है, तो ए सर लेड इन ग्रुप्स ऑफ वन टू फोर इनसाइड द लीफ टिश्यू ऑन मिडरिब एंड कवर्ड विद द व्हाइट वैक्सी सबस्टांस, व्हाइट वैक्सी सबस्टांस। अब इसमें देखिए हमने एक पॉइंट लिख रखा है कि मैक्सिमम जो है वो 97 एग दे सकता है भैया फीमेल इन द लाइफ स्पेन ऑफ 7 to 10 days, 7 से 10 दिन के में जो फीमेल है वो 97 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100 एग जो है वो दे सकती है, बट एग्जाम में नहीं आएगा। अपने को ध्यान रखना है यहाँ से कि एक एक जो है वो ओविपोजिशन कहाँ पे करता है, एग्स आर लेड इन ग्रुप ऑफ 1 to 4 इनसाइड द लीफ टिश्यू ऑन द मिडरिब एंड कवर्ड विद द वाइट वैक्सी सबस्टांस, वाइट वैक्सी सबस्टांस। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग को ये करना है याद है। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि रेडिस, रेडिस प्लांट जो होता है वो ऑब्जर्व होता है, जैसे अभी मान लीजिए कि सिम्टम दे देगा कि रेडिस सिम्टम जो है ऑब्जर्व होता है किसमें, शुगर केन में, ज्वार में, तो शुगर केन में हमारा ऑब्जर्व होता है एक रेड रॉट के केस में, जो पीथ है हमारा वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस केस में देखेंगे कि अगर जो है रेडिस एंड फाइनली प्लांट इन सीवियर कंडीशन अगर देता है, तो ऐसे तो जनरली देता नहीं है लेकिन अगर दे देगा तो हम लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे कि सर्गम सुडबग होता है, और इट ये क्या होता है, मेन ये पूछा जाता है इसमें कि सर्गम सुडबग किसका वेक्टर है, तो सर्गम स्ट्राइप डिजीज का है एंड सर्गम मोजाइक डिजीज का है, सर्गम स्ट्राइप डिजीज का है एंड सर्गम मोजाइक डिजीज का है। तो
आप लोग जो है हमें ये कमेंट लिख कमेंट में बताइए कि सोरगम स्ट्राइप जो होता है वो कौन किससे होता है, सोरगम स्ट्राइप डिजीज जो होता है, सोरगम स्ट्राइप डिजीज जो होता है वो किससे होता है, ठीक, और सोरगम मोज़ेक किससे होता है, ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद एफिड रोफेलोसिफम मेडिस, सभी को पता है रोफेलोसिफम मेडिस, अगर नहीं पता होगा दोस्तों तो एफी सेचराई आप लोगों को सबको पता होगा, एफिस सेचराई, एफिस सेचराई आप लोग को सबको मालूम होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रो फेरोसिफम मेडिस है, होता है एफिस सेचराई भी, बट इट इज द मोर स्पेसिफिक है। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, एपिडिडो फैमिली से, ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है। और बाकी ये सब मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। देन नेक्स्ट वन स्टिंग बग, निजारा वीरुडुला, निजारा वीरुडुला, निजारा वीरुडुला पेंटाटोमीडियो फैमिली से बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा, ये जो है इसका फैमिली इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट बिलोंग टू पेंटाटोमीडियो फैमिली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट बिलोंग टू पेंटाटोमीडियो फैमिली, उसमें दे देगा क्या, निजारा वीरुडुला, साइंटिफिक नेम अगर दे देगा तो ज्यादा क्वेश्चन टफ हो जाता है, लेकिन अगर कॉमन नहीं देता है स्टिंग बग तो थोड़ा सा हम लोग गेस कर सकते हैं, इसलिए जो है एक बार नजर के सामने लड़ाना जरूरी है। देन डिफोलेटर्स, डिफोलेटर्स में क्या आता है, डेकन विंगलेस ग्रास ऊपर, डेकन विंगलेस ग्रास ऊपर, उसमें क्या है, हम लोग जो है थोड़ा स्पेन दूसरा सेलेक्ट कर लें, इसमें से पता नहीं चल रहा है। कोलोमेरिस स्फेनरॉयड्स हैं, कोलोमेनिया स्फेनरॉयड्स हैं, कोलोमेनिया स्फेनरॉयड्स हैं, पायरगोमोर्फिडो फैमिली ऑर्थोप्टेरा, पायरगोमोर्फिडो फैमिली ऑर्थोप्टेरा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए इट इज इंडेमिक और साइक्लिक पेस्ट इन नॉर्दर्न कर्नाटका, इंडेमिक अभी हम लोग पढ़े हैं पैथोलॉजी में, इंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, इपिडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है, ठीक है। तो आप जो हमें है ये इंडेमिक इपिडेमिक स्पोरेडिक का डिफिनेशन जो है अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। कहाँ पे यह हुआ था क्या, के इंडेमिक है, ये इंडेमिक पेस्ट है किसके लिए, तो नॉर्दर्न कर्नाटका के लिए। इसमें क्या हुआ था कि हवेरी डिस्ट्रिक्ट में, हवेरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हर एक 5 साल में अपीयर हो जा रहा है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो है ये ध्यान रखिए, एक एक यहाँ कहाँ पे देता है, एक सर लेड इन बैचेज इन द फॉर्म्स ऑफ एग पॉड एट 5 सेंटीमीटर डेप्थ इन द सॉयल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड हैच इन राइज जून जुलाई, तो मतलब हैचिंग कब होता है, एक से लार्वा कब बनता है, एक से निम्फ कब बनता है, एक से एडल्ट कब बनता है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक कब देता है, तो अक्टूबर नवंबर में देता है, 5 सेंटीमीटर डेप्थ इन द सॉयल, सॉयल के डेप्थ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्मी वर्म, आर्मी वर्म माइथिमना सेपेराटा, आर्मी वर्म का नाम क्या है, माइथिमना सेपेराटा, फैमिली कौन से बिलोंग करता है, नोक्टुइडे लेपिडोप्टेरा। अच्छा दोस्तों ये देखिए नोक्टुइडे फैमिली, जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं कि नोक्टुइडे फैमिली है, नोक्टुइडे फैमिली क्यों है, नोक्टुइडे फैमिली इसलिए है कि ये पेस्ट जो है आर्मी वर्म वो रात में हमारा एक्टिव होता है। जैसे हमारा क्या, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हमारा जो सैनिक वो रात में कितनी भी सर्दी कितनी भी गर्मी में हमारा जो है वो सैनिक तैनात है बॉर्डर पे और हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं। इसी तरह इस पे ये पेस्ट जो है वो आर्मी की तरह रात में एक्टिव होता है और एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मार्च करता है, मार्च करते हुए वो मूव करता है और वहां पे वो डैमेज करता है, इसलिए इसको नॉक्टुइडल फैमिली रखा गया, ठीक है। देन ये सब हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब फार्मर फील्ड में फार्मर को मदद करने जाएंगे। देन रेड हेडेड हेरी कैटरपिलर, या फिर हम लोग इसको जानते हैं रेड हेरी कैटरपिलर भी केवल, ठीक है, एमस्काटा एल्विस ट्रीगा या फिर एमस्काटा मूरी भी नाम दिया जाता है, MOORI, एमस्काटा मूरी, एमस्काटा एल्वी स्ट्रीगा, आर्किडिडो फैमिली लेपिडोप्टेरा, आर्किडिडो फैमिली लेपिडोप्टेरा, ठीक है। अब इसको देखिए ये सब जो हमारा स्पॉट है फोर विंग का है, हाइंड विंग का है, ये सब जो है हमारा क्या है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि ब्राउन कलर का होता है कि व्हाइट कलर का होता है, ऐसा है, बट ये यहाँ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो है हम लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ में हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्या है, साइंटिफिक नेम फैमिली ऑर्डर, ठीक है। देन देखिए रेड हेरी कैटरपिलर जो है हमारा कैसा लगता है, देखिए रेड हेरी कैटरपिलर हमारा पेस्ट जो क्रॉप है वो कैसा नजर आता है, ठीक। ओके तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, आप लोग जो है कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताएंगे, हम उसको जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।